तो अब हमें इस एग्जाम्पल की जो हमें ये एरे दिया हुआ है हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी है. तो हमने स्प्लिट मेथड यूज किया, लाइब्रेरी नेम डॉट स्प्लिट. और यहाँ इस स्प्लिट मेथड में हमने क्या किया, अपने एरे का नाम प्रोवाइड किया जिस एरे की हमें स्प्लिटिंग करनी है, और उसके साथ हमने प्रोवाइड किया है ये 1D एरे. अब यहाँ पे हमने जो 1D एरे प्रोवाइड किया है इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं. और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो एरे जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में. क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक सिंगल एरे है, अगर आप इसे पे 2 मार्क्स बनाएंगे तो ये 2 मार्क्स आपके एरे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में. इससे पहले वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट और ये लास्ट वाला पार्ट. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं तो हमारा एरे जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. अब यहाँ पे एक चीज और कि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे एक्सिस की वैल्यू तो हमने ली नहीं. तो जब हम एक्सिस की वैल्यू नहीं लेते तो डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. और 0 के केस में हमारी वर्टिकल स्प्लिटिंग होती है. लेकिन बेटा यहाँ पे ये चीज आप ध्यान देना कि ये जो एरे है ये 1-डाइमेंशनल एरे है. तो 1-डाइमेंशनल एरे के केस में एक ही तरीके से स्प्लिटिंग हो सकती है कि ये आपके एरे को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे स्प्लिट करेगा. यहाँ पे जब अलग अलग एक्सिस हैं ही नहीं तो अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग नहीं हो सकती. तो इसलिए यहाँ पे हमने एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है तो भी 1D एरे पे एक ही तरीके की स्प्लिटिंग होती है. तो यहाँ आपकी ये डिविजन हो जाएगी. जब हमारे पास 2D एरे होता है उस केस में एक्सिस की वैल्यू मैटर करती है कि एक्सिस की वैल्यू 0 है तो वर्टिकल स्प्लिट और एक्सिस की वैल्यू 1 है तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट. यहाँ हमने एक्सिस की कोई वैल्यू नहीं दी है तो भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग होगी क्योंकि ये हमारा 1-डाइमेंशनल एरे. अब आगे देखिए, ये आपको आउटपुट दिया हुआ है इस एरे का कि ये इससे हमारा एरे जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. लेकिन ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुआ पहले ये समझना जरूरी है. अब यहाँ पे जो हमने एरे के एलिमेंट्स दिए हैं वो है 2 और 6. यानी कि हमारा एरे जो डिवाइड होगा वो 0 से लेके 2 तक, 2 से लेके 6 तक और 6 से लेके लास्ट तक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये देखिए यही चीज आपको आगे समझाई भी हुई है. अब ये 2 और 6 हमारे एरे में, हमने 1D एरे जो प्रोवाइड किया उसमें 2 और 6 दिए तो इसका मतलब क्या है कि एरे की डिवीजन कैसे होगी. 0 से लेके सेकंड इंडेक्स तक एक एरे बन जाएगा, सेकंड इंडेक्स से 6 इंडेक्स तक एक एरे बन जाएगा और 6 इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक एक एरे बन जाएगा. अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये 2 यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है तो ये सेकंड इंडेक्स किस में इंक्लूड होगा. सिमिलरली 6 भी यहाँ भी लिखा हुआ है यहाँ भी लिखा हुआ है तो ये 6 इंडेक्स किस में इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करो, जब हमने एरे स्लाइसिंग पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि स्टॉप की वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है. और यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू 2 है तो यानी कि फर्स्ट एरे में हमारे सिर्फ कौन कौन से इंडेक्सेस आएंगे, 0th इंडेक्स और 1st इंडेक्स. ये वाला 2 से 6 तक है तो इसमें कौन कौन से इंडेक्सेस आएंगे, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th. अब ये 6 से लेके लास्ट तक है क्योंकि जब हम कॉलम के बाद कुछ प्रोवाइड नहीं करते यानी कि टोटल साइज हमारा हो जाता है. यहाँ पे 10 एलिमेंट्स है हमारे पास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा 6 से लेके 10 तक. यानी कि कौन कौन से इंडेक्सेस हमारे हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे ये डायमेटिकली समझाई भी हुई है. फर्स्ट एरे में देखिए 0 से लेके 2 तक यानी कि 0th और 1st इंडेक्स. सेकंड एरे में देखिए 2 से लेके 6 तक यानी कि 2, 3, 4 और 5, ये चारों इंडेक्सेस. और लास्ट में 6 से लेके लास्ट तक के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सारे इंडेक्सेस इंक्लूड हो जाएंगे और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. फर्स्ट पार्ट में हमारे ये 2 एलिमेंट हैं, सेकंड पार्ट में ये वाले एलिमेंट्स हैं और थर्ड पार्ट में हमारे लास्ट के बचे हुए सारे एलिमेंट्स आ गए. वही यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखाया गया था. ये आपका फर्स्ट एरे था, ये आपका सेकेंड एरे बना और ये आपका थर्ड एरे बना. तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जब हमारे पास 1D एरे है तो एक्सिस की वैल्यू मैटर नहीं करती. यहाँ पे जब 2D एरे होता है उसी केस में एक्सिस की वैल्यू 0 या 1 होने से फर्क पड़ता है. मैं आपको ये चीज एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक एरे क्रिएट करना है. तो हम पहले लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट numpy एज np. उसके बाद एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, अरेंज मेथड की हेल्प से कर लेते हैं, जल्दी से क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया 10, तो इससे हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स आ गए, 10 एलिमेंट्स आ गए. मैं एक बार ये 10 एलिमेंट्स आपको प्रिंट करवा के दिखा देती हूँ. इसे रन करेंगे
तो ये देखिए ये 0 से लेके 9 तक के 10 एलिमेंट्स हो गए। अब हम इसकी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो हम 2,6 दिया था, 3 पार्ट्स में स्प्लिटिंग हो रही थी, तो हम 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लेते हैं, एरे 1, एरे 2, एरे 3, और इसके बाद हम स्प्लिट मेथड कॉल करते हैं np.split, और इसके अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, पहले एरे का नाम जिसकी हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, कोमा हमने क्या प्रोवाइड करना है, वन डायमेंशनल एरे, उसमें हमने वैल्यूज क्या ली थी, 2,6। अब इसे सेव किया, इसके बाद एक बार इसे प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि बिना प्रिंट करवाए तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। प्रिंट AR1, इसके बाद प्रिंट AR2 एंड देन प्रिंट AR3। थर्ड एरे को भी हमने प्रिंट करवा दिया। इसे सेव करके एक बार इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपको तीनों एरेज यहाँ पे ये मिल गए। फर्स्ट एरे में आपके कौन कौन से इंडेक्सेस आए, जीरोथ और फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज थी जीरोथ और फर्स्ट इंडेक्स की। सेकंड में 2 से लेके 6 तक, तो सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स और फिफ्थ इंडेक्स, यहाँ पे क्योंकि हमने अरेंज की हेल्प से क्रिएट किया है, तो जो हमारे इंडेक्सेस की वैल्यू होती है वही हमारे एरेज में वैल्यू है, तो इसलिए उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमने एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, फिर भी हमारी हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग ही हुई है, क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे था, तो इसलिए इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक्सिस की वैल्यू दी है या नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको वही एग्जाम्पल जो हमने अभी अभी किया था, np.split एरे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो 2D एरे हम अभी तक डिस्कस करते आए थे Hsplit और Vsplit के केस में, उसी 2D एरे पे हमने स्प्लिटिंग परफॉर्म की है। तो यहाँ पे हमने वो 2 डायमेंशनल एरे प्रोवाइड किया, उसमें हमारे एलिमेंट्स कितने थे, 4x6, 4 रोज थे, 6 कॉलम्स थे, 0 से लेके 24 तक के एलिमेंट्स थे। ये आपको यहाँ पे वो एरे जो है वो याद भी होगा, लास्ट अभी हमने जो 2 डायमेंशनल एरे पढ़ा था वो वाला। इसकी डिवीजन हमने किसमें की है, 1,4। 1,4 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे भी देखिए एक्सिस प्रोवाइड नहीं किया है, तो अब इस केस में जब हमने एक्सिस की वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पे क्योंकि 2D एरे है तो एक्सिस की वैल्यू मैटर करेगी। जब एक्सिस की वैल्यू 0 है, क्योंकि एक्सिस नहीं दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और अब जब एक्सिस की वैल्यू 0 है तो हमारा एरे जो है वो वर्टिकली स्प्लिट होगा, यानी कि हमारी नंबर ऑफ रोज स्प्लिट होंगी। तो नंबर ऑफ रोज कैसे स्प्लिट होंगी, 0 से 1 तक एक पार्ट हो जाएगा, 1 से 4 तक एक पार्ट हो जाएगा, और 4 के लास्ट का अलग पार्ट बन जाएगा। अब 0 से 1 तक में कौन कौन से इंडेक्सेस इंक्लूड होंगे, सिर्फ और सिर्फ 0th इंडेक्स इंक्लूड होगा, यानी कि हमारी सिर्फ फर्स्ट रो आएगी हमारे फर्स्ट पार्ट में। अब जब 1 से लेके 4 तक का पार्ट है, उसमें कौन कौन से इंडेक्सेस इंक्लूड होंगे, 1, 2 और 3, यानी कि सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो, इंडेक्स नंबर 1 वाली रो, इंडेक्स नंबर 2 वाली रो और इंडेक्स नंबर 3 वाली रो, ये तीनों रोज हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर 4 से लेके लास्ट तक, यानी कि इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5 और लास्ट तक की जितनी भी रोज हैं वो हमारी थर्ड पार्ट में आ जाएंगी। अब एरे पे आ जाते हैं कि हमारे एरे में टोटल रोज कितनी थी, 4 रोज थी। 4 रोज की इंडेक्सिंग क्या हुई, 0 से लेके 3 तक हुई, तो 0th रो हमारे फर्स्ट पार्ट में आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रो हमारे सेकंड पार्ट में आ गई, फोर्थ इंडेक्स वाली तो हमारे पास रो है ही नहीं, तो हमारा थर्ड एरे जो होगा वो हमारा एम्प्टी एरे होगा। वही आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, फर्स्ट एरे में हमारी फर्स्ट रो आ गई, सेकंड एरे में हमारी बाकी की तीनों रोज आ गई, और थर्ड जो एरे है वो हमारा क्या है, एम्प्टी एरे है, जिसकी शेप क्या है, 0,6, यानी कि रोज 0 है और कॉलम्स जो है वो 6 है। यही आपको यहाँ पे ये डिटेल में एक्सप्लेन करके भी दिया हुआ है। 1,4 दिया तो यानी कि 0 स्प्लिटिंग कैसे होगी, 3 पार्ट में, 0 से 1 तक, 1 से 4 तक और 4 से लास्ट तक। 0 से 1 वाले केस में सिर्फ 0th इंडेक्स होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो आएगी, उसके बाद 1 से 4 तक यानी कि फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो ये वाली तीनों रो जो है आपकी वो कवर हो जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद 4 से लेके लास्ट तक फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, तो ये आपकी एम्प्टी रो हो जाएगी। तो ये 3 एरे जो बने, फर्स्ट एरे में आपकी फर्स्ट रो है, सेकंड एरे में आपकी लास्ट वाली तीनों रोज हैं, और थर्ड एरे जो है वो एक एम्प्टी एरे है। तो इस तरीके से ये आपके 3 एरे बन जाएंगे, फर्स्ट एरे, सेकेंड एरे और ये थर्ड एरे।
तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमने किया है वो अब हमने किया है एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड करके। अभी तक हमने जो दो एग्जांपल्स किए उनमें हमने एक्सिस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो हमारी एक्सिस की डिफॉल्ट वैल्यू जो थी वो जीरो हो जा रही थी। अब यहाँ पे हमने एक्सिस की वैल्यू वन प्रोवाइड की है। एक्सिस की वैल्यू वन प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग हमें करनी है अपने एरे की। अब एरे में कितने हमारे पास कॉलम्स हैं, सिक्स कॉलम्स हैं, क्योंकि एक्सिस की वैल्यू जब हमने वन दी है तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट होगी। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यानी कि नंबर ऑफ कॉलम स्प्लिट होंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सिक्स थे, उसे हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इस बार वो थ्री पार्ट्स इक्वल पार्ट्स नहीं है। इस बार थ्री पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है कि फर्स्ट पार्ट में जीरो से टू तक, यानी कि सिर्फ जीरो कॉलम और फर्स्ट कॉलम होगा। सेकेंड पार्ट में टू से फाइव तक, यानी कि सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो फर्स्ट एरे में दो कॉलम थे, सेकेंड एरे में थ्री कॉलम्स हैं, और थर्ड एरे में फाइव से लेके लास्ट तक, तो फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, सेवेंथ इंडेक्स एंड सो ऑन। लेकिन हमारे एरे में इंडेक्सेस जीरो से फाइव तक ही है, तो लास्ट एरे में भी हमारा कितने कॉलम्स आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वन कॉलम आएगा। तो यही आप ये आउटपुट का जो स्नैपशॉट है उसमें आप देख सकते हो। जब एरे को डिवाइड किया तो फर्स्ट एरे में दो कॉलम्स हैं, सेकेंड एरे में थ्री कॉलम्स हैं। फर्स्ट एरे में कौन कौन से कॉलम है, जीरो और फर्स्ट कॉलम है, और सेकेंड एरे में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम है, और लास्ट में फिफ्थ एक्सिस वाला, फिफ्थ इंडेक्स वाला कॉलम है। ठीक है, यही आपको डायग्रामेटिकली भी यहाँ समझाया हुआ है कि जब डिवीजन की तो जीरो से टू तक, टू से फाइव तक और फाइव से लास्ट तक हुई। तो यहाँ पे ये इंडेक्सेस आपके लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, सिक्स कॉलम्स हैं तो जीरो से फाइव तक इंडेक्सेस हैं। तो जीरो कॉलम और फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट एरे में गए, ये आपको यहाँ से शो किया हुआ है, और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम जो है वो सेकेंड एरे में गए, और फिफ्थ कॉलम जो है वो हमारा थर्ड एरे में गया। तो इस तरीके से स्प्लिट मेथड की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट भी परफॉर्म कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्लिट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम स्प्लिट मेथड के अंदर सेकेंड आर्गुमेंट जो है वो सिंगल इंटीजर देंगे तो एरे की स्प्लिटिंग इक्वल पार्ट्स में होगी, और अगर हम वन डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करेंगे तो एरे की स्प्लिटिंग जो है वो अनइक्वल पार्ट्स में होगी। तो यही आपको यहाँ पे ये चीज, अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये आपको कि जैसे हमने Hsplit और Vsplit के केस में किया था कि जो हमने एरे को स्प्लिट करने के बाद एरे को अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया था ताकि हम उन्हें बाद में भी यूज कर पाए, वही सेम चीज हम स्प्लिट के केस में भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर द सबसेट ऑफ एरे इन सेपरेट एरेज नेम एंड यूज देम सेपरेटली, कि हम उन्हें अलग से भी स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम बाद में उन्हें इजिली यूज कर पाए। वही आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये अभी 2.5 की हेल्प से जो आपने क्रिएट किया था उसे आपने थ्री एरेज में स्टोर कर लिया और उन्हें अलग अलग डिस्प्ले करवाया। सिमिलरली जो हमने एरे को वर्टिकली स्प्लिट किया था तो उसे भी हमने तीन पार्ट, तीन अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लिया और यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले करवाया। थर्ड एरे हमारा एम्प्टी एरे था तो आउटपुट की जगह सिंपली क्या डिस्प्ले हुआ है कि एरे की शेप और डाटा टाइप जो है वो डिस्प्ले हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हमारा एरे स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया है। Hsplit, Vsplit, स्प्लिट तीनों मेथड्स हमारे डिटेल में डिस्कस हो गए हैं। आई होप आपको ये चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है इस टॉपिक में भी या इससे पहले भी जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा लास्ट फंक्शन है, दैट इज एक्सट्रैक्टिंग कंडीशन बेस्ड नॉन कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स। तो अभी तक हमने जो एरे से एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए स्प्लिटिंग की हेल्प से या कैसे भी, उनमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। स्लाइसिंग के केस में भी जब हमने एलिमेंट्स एक्सेस किए थे तो उनपे कोई कंडीशन नहीं थी, बट जब हमें अपने एलिमेंट्स पे कंडीशन लगानी होती है, लाइक हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो फाइव से डिविजिबल है या वो एलिमेंट्स चाहिए जो टू से डिविजिबल है, इस टाइप की कंडीशन जब हमें लगानी होती है तो उसके लिए हमारे पास अलग से एक फंक्शन होता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप अभी तक का रिवाइज कीजिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।